हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो हमारा है लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये 4 है हमारा, इंटेलिजेंस थ्योरीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे थर्स्टॉन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या है ये, कौन से वो 7 फैक्टर्स हैं जो थर्स्टॉन ने दिए थे। देखिए, इस लेक्चर सीरीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये 4th लेक्चर है अभी, यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं। इसके पहले के सभी लेक्चर जो है आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी लेक्चर्स वहां पर तैयार हैं, आप जो चाहे लेक्चर देख सकते हैं, ये जो आपके सामने लिस्ट में है उनमें से कोई सा भी, और अदर जो वीडियोस मैंने पहले से एजुकेशन पेपर के बना रखे हैं वो भी। खैर, बात करते हैं थर्स्टॉन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बोला था, स्पीयरमैन के बाद और उनको क्रिटिसाइज करते हुए इनकी थ्योरी आई थी, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थर्स्टॉन प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या है, ये उन्होंने कहाँ से जो है ओरिजिनेट की या कहने के आइडेंटिफाई की। दोस्तों, इन्होंने 56 मेंटल टेस्ट किए और उन मेंटल टेस्ट का इन्होंने इंटर को रिलेशन निकाला एनालिसिस के बाद, और आइडेंटिफाई किया 7 फैक्टर्स को, और इन 7 फैक्टर्स को ही ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कह रहे हैं। क्लियर है, 56 मेंटल टेस्ट करने के बाद जो भी कुछ उनके पास फैक्टर आए, उनका इंटर को रिलेशन निकालने के बाद ये फाइनली कहाँ पर पहुंचे, 7 फैक्टर्स के ऊपर पहुंचे, और इन्हीं 7 फैक्टर्स को ये PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कह रहे हैं। और देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने जो आप लोगों से शेयर भी किए थे, उनमें अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इस सेक्शन से। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जा करके देखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। लुइस लियोन थर्स्टॉन सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। कितनी, 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर इंटेलिजेंस बनी है, ये इन्होंने बोला है। और जैसा कि इन्होंने स्पीयरमैन को क्रिटिसाइज किया था और ये बोला कि भाई, जर्नल इंटेलिजेंस जैसी या जर्नल फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो कुछ भी इंटेलिजेंस है वो कुछ प्राइमर मेंटल एबिलिटीज का ही एग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, स्पीयरमैन की जर्नल इंटेलिजेंस थ्योरी जो जर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक फैक्टर नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स से मिल करके बना होता है। और इन्होंने कितने फैक्टर बताए, इन्होंने 7 फैक्टर्स बताए हुए। ठीक है, नाउ ही रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज कितनी अलग अलग तरीके की हो सकती है, कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, उन्होंने उसको एनालाइज किया। एंड इम्प्रूव्ड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके इन्होंने जो है इस इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में हमें बताया। नाउ इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों, लार्ज ग्रुप सब्जेक्ट पर जो है अपना टेस्ट किया, ठीक, और इन्हीं फैक्टर्स को फिर उन्होंने PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के फॉर्म में हमें बताया। अब ये कौन कौन से 7 फैक्टर्स हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। इंडक्टिव रीजनिंग बोल रहे हैं कि पहला फैक्टर इंटेलिजेंस का क्या है, अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो उसमें ये एक फैक्टर भी होगा कि वह इंडक्टिव रीजनिंग करता होगा। द एबिलिटी टू फाइंड रूल और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू फाइंड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वहां से ये कंक्लूड कर लेगा कि ये किस जनरल प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। फिर मेमोरी, द एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल, है ना, ये एक इंटेलिजेंट पर्सन की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है या एक एबिलिटी है कि जो इंटेलिजेंट है उसमें मेमोरी होगी। एंड इट इज द एबिलिटी टू मेमोराइज इवेंट लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, डेट एंड डेफिनेशन। ठीक, फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, द एबिलिटी टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक, तो जो 7 फैक्टर्स में से 3rd फैक्टर बोल रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस जो है इस एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे सॉल्व करता है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को, कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी के साथ करता है, कंप्यूट आंसर
to mathematical problems. It measures speed and accuracy of the computational skills. ठीक है, फिर है perceptual speed, the ability to visualize details rapidly. Perceptualize मतलब percept करने के, आपके सामने क्या चीजें हैं, उसकी क्या क्या डिटेलिंग्स है, आप देख करके तुरंत समझ जाए, मतलब ग्रास्पिंग पावर सामने वाले का बहुत तेज है. ठीक है, तो परसीव और ग्रास्प टू परसेप्चुअल डिटेल्स क्विकली एंड एक्यूरेटली टू सी डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी अमंग थिंग्स. जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में एक बच्चों की एक बुक आती है जिसमें दो चित्र एक जैसे दिए होते हैं, बस उसमें कुछ कुछ डिफरेंस जो है होते हैं, किसी में फूल गायब कर देंगे, किसी में गाड़ी का पहिया, और बोला जाता है कि अब आइडेंटिफाई कीजिए. तो परसेप्चुअल जो आपकी एबिलिटीज है उनको बच्चे की उनको इंक्रीज करने की ये टास्क होती है. ठीक है, या आप बर्थडे पार्टी में कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके सामने तुरंत एक बकेट में कुछ सामान डाल दिया जाता है, 2 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, हटा ली जाती है, और फिर बोला जाता है कि लिस्ट में नाम लिख के बताइए कि क्या क्या आइटम्स उस बकेट में प्रेजेंट थे. जो सबसे ज्यादा नाम लिख देता है वो जीत जाता है, उसे गिफ्ट मिलता है. तो ये सब क्या है, परसेप्चुअल स्पीड को मेजर करने के या पता करने के तरीके है हमारे नॉर्मल वे में जो हम लोग गेम खेलते हैं नॉर्मल तरीके से. ठीक है, नाउ स्पेशल रिलेशंस. स्पेशल मतलब यहाँ पर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट डिफरेंट जियोमेट्रिक पैटर्न्स फॉर्म्स एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस. मान लीजिए अब आपको ड्राइंग करना है ना, अब कोई बंदा ड्राइंग में बहुत अच्छा 3 डायमेंशनल ड्राइंग कर लेता है ना, होता है ऐसा, वो सड़क पर कुछ पेंट बना देते हैं, या फिर बहुत अच्छा फोटो 2D या 3D फोटो बना देंगे पेपर के ऊपर आपके, आपको लगे वैसे कह रहे 3 डायमेंशनल इसने पिक्चर बना दी. तो स्पेशल मीन्स स्पेस से रिलेटेड, उनको स्पेस, वो आसमान वाली स्पेस नहीं, स्पेस मतलब कि जगह का कैसे यूज करना है, कहाँ क्या चीज बनाई जा सकती है, आर्किटेक्चर वाले जो गुण होते हैं वो सारे इसमें आते हैं. तो ये भी एक तरीके की एबिलिटी होती है. नाउ फिर है वर्बल कॉम्प्रहेंशन. वर्बल कॉम्प्रहेंशन द एबिलिटी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डिफाइनिंग अंडरस्टैंड वर्ड्स कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड वर्बल रीजनिंग. तो ऐसा एक ऐसा इंसान जिसमें ये एबिलिटी हो कि जल्दी से वो रीड करके समझ जाए कि इस पैसेज में क्या लिखा है, सुन करके पढ़ करके अंडरस्टैंड कर जाए वर्ड्स के मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो ये इस तरीके की एबिलिटी क्या है, वर्बल कॉम्प्रहेंशन है. फिर वर्ड फ्लुएंसी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स रैपिडली, टू यूज वर्ड्स क्विकली एंड फ्लुएंटली इन परफॉर्मिंग टास्क लाइक नेमिंग वर्ड्स, राइमिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड्स एंड पजल्स. तो वर्ड फ्लुएंसी इसे मीनिंग ये है कि आप कितनी जल्दी, कितना आपका वोकैबुलरी है, कितनी जल्दी आप वर्ड्स को यूज कर लेते हो, सही जगह पर सही वर्ड्स का यूज आप कर लेते हो, तो वो वर्ड फ्लुएंसी है. और ये एक तरीके की PMA है, मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, और यही जो है आपके इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, मतलब कि यही चीजें मिलकर के आपका इंटेलिजेंस बनाती है. नाउ फर्स्ट ऑफ यू ईच ऑफ दिस मेंटल एबिलिटीज एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. उन्होंने बोला है कि ये कोई जुड़ी हुई नहीं है, सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. हो सकता है किसी में कोई सी एबिलिटी हो, किसी में कोई सी एबिलिटी हो. ईच ऑफ देम कैन बी असेस्ड सेपरेटली. इनमें से हर एक को आप सेपरेटली अलग से जो है मेजर कर सकते हो. सिंगल स्कोर फॉर इंटेलिजेंस इज सजेस्ट अ कॉग्निटिव एबिलिटी प्रोफाइल फॉर इंडिविजुअल रेदर देन अ सिंगल IQ स्कोर. और उन्होंने बोला है कि आप हर एक एबिलिटी के लिए कॉग्निटिव एबिलिटी प्रोफाइल बना सकते हो किसी भी इंसान की, कि भाई ये इस चीज में कैसा है, ये जो 7 फैक्टर्स हैं इसमें से पहले फैक्टर में कैसा स्कोर है, दूसरे में कैसा है, तीसरे में कैसा स्कोर है, ऐसे 7ों का स्कोर आप अलग अलग बना करके एक इंसान का कॉग्निटिव एबिलिटी प्रोफाइल बना सकते हो. ना कि सिर्फ आप एक बंदे को IQ स्कोर के सामने खड़ा कर दें कि अरे इसका तो 120 आया है, मतलब कि अबव एवरेज है बस, ये बहुत कुछ एक्सेप्शनल नहीं है. जबकि हर एक इंसान में कुछ क्वालिटी होती है, किसी ना किसी चीज में हर एक इंसान एक्सेप्शनल होता ही है, ये इनका कहना था. तो होप आप इनकी थ्योरी समझ पाए होंगे. अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो थ्योरी इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहती है.